साल बनाया है जी सर। ये हमने एक बाथरूम में पीपीआर पाइप की फिटिंग का एक डायग्राम बनाया है, जो पाइप पूरे बाथरूम की फिटिंग बनाई है गर्म और ठंडे पानी की तस्वीर के अनुसार। तो इसमें ये जो लाइन है ये ठंडे की लाई हुई है और ये टब शावर लगा है, इसके ऊपर हम शावर लगाएंगे, ओपन शावर आता है और उसको लशन और लशन लगा के इसको टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे वाल्व लगाओगे जी सर? ठीक है जी सर। तो ये हमने वो कमोड के लिए पॉइंट दिया है, टंकी के लिए आगे वॉश बेसिन लगेगी, वॉश बेसिन का पॉइंट है। इसी तरह बाहर से जो पानी आता है उसके तस्वीर के निज़ाम है, ये जो गर्म पानी का निज़ाम है ये इधर ला के दूसरे साथ में एक और बाथरूम के लिए पानी दिया है। तो ये ठंडे का दिए, ये गर्म का दिया, ये ठंडे का उधर दूसरे बाथरूम के लिए दिया, इसीलिए ये गर्म पानी का एक उधर पॉइंट दिया हमने वॉश बेसिन के लिए, ठीक है ना सर। तो इस तरह करके हमने ये पूरा डायग्राम में क्लियर किया है। इसके लीकेज चेक किस तरह हो गया सर? इसको हम प्लग लगा के बंद करेंगे, ठीक है ना, फिर प्रेशर का पानी देंगे तो घंटा डेढ़ घंटा छोड़ेंगे या दो तीन दिन छोड़ेंगे, फिर पता चलेगा, या चाहे वो जब प्रेशर का पानी दिए तो उससे पता चल जाए, चल जाए चंद सेकेंड में ही अगर लीकेज हुआ तो फिर ये लीकेज खुद बहुत प्रेशर की वजह से निकल जाए, तो वो हम चेक करके उसके बाद ऊपर सक्सेशन का काम कर सकते हैं। प्रेशर के लिए कोई और भी तो वो कोई होता है ना टूल जो कि प्रेशर 40-50 bar पे प्रेशर अप्लाई करता है सर? वो मोटर के जरिए दे सकते हैं ना, वैसे भी टैंक वैसे भी ऊपर ऊंचे फ्लोर पे होते हैं ना सर, तो उसके जरिए से हम पानी लगा के प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये पीपीआर के पूरा एक टाइम पीपीआर की लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम 80 ईयर। तो अच्छा वो जीआई की कितनी है? ये की 40 है मेरे। ये राउंड अबाउट 25 तक चलती है। 25 ठीक है। अच्छा इनके ये जो है ये जी सर इसका नाम क्या है? ये क्रॉस पेन है सर, ये एक पाइप को दूसरे पाइप इसके ऊपर से गुजारने में काम आता है सर, और ये दो पाइपों को जोड़ने में मदद देता है। ठीक है। इसमें इसमें क्या फर्क है सर? ये ब्रश टी है ना, इसमें जी आई का पाइप भी यूज हो सकता है, ठीक है कि नहीं? और इसमें इसमें सिर्फ पीपीआर का पाइप यूज होता है और इसमें जी आई पाइप का यूज हो सकता है, इसमें बिप का लग सकता है और इसमें सिर्फ पीपीआर का पाइप लगता है। तो ये टी है, इसको ब्रश टी कहते हैं, इसको सादा टी कहते हैं। तो इस तरह ये काम में मदद है, इसको आम पीपीआर को तीन दो नलियों को जोड़ने में मदद देता है और इसको लगा के दो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ड्रिप पैक लगा सकते हैं और इस तरह पानी की रोकथाम के लिए जो भी के लिए मैंने इसको ये एल्बो है 90 एंगल का एल्बो है, ये सिर्फ पीपीआर के पाइप को जोड़ने में मदद देता है, दो लाइनें 90 के एंगल में निकालने के लिए इसको एल्बो को इस एल्बो को लगाया जा सकता है। और ये एक ब्रश एल्बो है, ब्रश एल्बो में एक साइड से बीप का गया जी आई के पाइप को जोड़ने में मदद देता है और दूसरे साइड से सिर्फ पीपीआर का पाइप लगेगा। हाँ जी बच्चे आ जाओ इधर, आप इधर आ जाओ, क्या नाम है आपका? शाबाश, के हिस्सों के नाम बताते जाओ, बस निकालते जाओ, नाम बताओ। नेक्स्ट नाम इसका क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा 25 सर, ये हम स्टील के पाइप
जी दो पे पीपीआर लग जाएगा और एक साइड पे स्टील लग सकता है, स्टील का लग सकता है। ठीक है, ये सिंपल है, ये सिंपल डी है और तीनों साइडों पे पीपीआर ही लगेगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स है, ये एल्बो है सर। अच्छा, एल्बो इसमें भी हम सर पीपीआर लगा सकते हैं, फ्रंट के एंगल से गुजार सकते हैं सर दोनों। ठीक, चलो शाबाश। हां जी, और आ जा यार, तू जरा ये सिंपल टी है। ठीक है, इसको पी पी आर कहते हैं, पी पी आर पाइप कहते हैं। इससे दो पाइपों को पी पी आर पाइप फिटिंग है ना, ये पी पी आर दो पाइपों को पी पी आर पाइप वो निकाल सकते हैं। और ये एल्बो है, ये 90 एंगल का होता है, इससे पानी गुजार सकते हैं। ठीक है, और ये भी ब्रास्ट है, इसके अंदर एक जी आई पाइप भी लगा सकते हैं। और ये क्रॉस बैंड है, ये फर्श पे लगाते हैं और इसके ऊपर से पाइप भी गुजार सकते हैं। ये जो पाइप यूज हुआ है, ये इसका साइज क्या है? ये 25 इंच इंचों बताओ ना, इंचों में बताओ जी, इसका बच्चे क्या साइज है ये पाइप का? ये 1 इंच है सर, 1 इंच है, 1 इंच है, 25 से बाहर से पौने का होता है, अंदर आधी का है, एक्सटर्नल थिकनेस मिला के बता रहे हैं कि इंटरनल बता रहे हैं? इंटरनल आदि का होता है, इंटरनल आदि का ही है सर। आदि फदर बाबा बाबा ना सर, देखो इसका मकसद आपको कोई फेल के लिए मैं एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आपकी जो है कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी चेक की जाए। सही है, किसी को अगर अभी भी कोई कमी बेशी है वो आपके टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इनसे पूछें, अपना वो जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करें। सही है, ये जो नेपटेक के प्रोग्राम्स है ना, इसमें कोशिश ये की जाती है जितने भी आपको कंपिटेंट बनाया जाए। कल को काम आपने जाके हाथ से करना है। ठीक है, अभी चलो बिल भरत आप निकल भी जाओगे लेकिन काम करना नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा होगा? क्यों जी गाजी साहब, ऐसा ही है, फील्ड में तो उस बंदे को काम मिलता है जिसको काम आता है, ऐसा ही है ना। ऐसे समान सत्यानाश करने के लिए कोई भी नहीं बुलाएगा, ऐसा ही। तो लिहाजा कोशिश करो कि आगे मज़ीद भी मार्केट की जो डिमांड है, इसका मकसद है मार्केट की डिमांड को पूरा करना। मार्केट चाहती है कि काम करने वाला बंदा आए हमारे पास, घर उन्होंने पेमेंट देनी है आपको। एक पॉइंट का कितनी पेमेंट मिल रही है जी? 250-300 तक। सही है, तो 250-300 तक अभी ये पॉइंट कितने लग गया ज़रा बताएं? इसमें ज़्यादा लग गया। हाँ ज़रा गिनो कितने पॉइंट हैं इसमें? 12-15 तक। हिसाब लगाओ, कितना टाइम लगा है ये कारी साहब का इसमें? आधा घंटा लगा होगा ना इसमें काम करने में? आधा ही घंटा लगा है ना? आधे घंटे में आपने कितने का काम कर दिया? 17-1800 का काम किया। चलो वो जरी लगाने का बीच में टाइम कर लो तो वो आप 4 घंटे कर लो ना। चार कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको 2-2.5 घंटे में 1800-2000 का वो आप मजदूरी कर लो? समझाई ना, तो मकसद को समझें। ठीक है, मार्केट की डिमांड को आपने पूरा करना है। अगर फिलहाल अगर कोई कमी रह भी, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने थ्योरी भी पढ़ानी होती है फिर साथ प्रैक्टिकल का भी वो बताना होता है, तो यहाँ पे हर एक बच्चा असल में एक्टिव होके काम नहीं करता है। ठीक है, अभी ये जिस तरह कारी साहब लगे हुए हैं तो सारे बच्चे इस तरह काम नहीं करते। ये आप में कॉम्पिटेंसी और आप में आप कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप उस वक्त होगा जब खुद हाथ से काम करोगे। समझ आई? तो इसलिए आगे जाके भी आपने घर में फारिग नहीं बैठे,
इसी स्किल को लेके या सर्टिफिकेशन आपके पास आएगी तो आपने मार्केट में जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है उसके साथ लिंक में हो जाए, ठीक है। लिंक में रह के तो अपने काम को जारी रखें, स्किल को मज़ीद पॉलिश करें, सही है। हाँ चलो ठीक है।